कई लोग बेलपत्री, यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के भाग में, पीछे के भाग, या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं बाहर की ओर निकल, वो सुख का अनुभव करें। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है तो आप एक रुपए कमाएंगे, सवा रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट में राइट भाग का बेलपत्री सुख का अनुभव, बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़े। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तप करते हैं, साधना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमेशा ही बेलपत्र का पेड़ साफ जगह पर ही